तो आज बात करेंगे क्या आखिरकार रेलवे ग्रुप डी में तुक्का मार के अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। दोस्तों आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे जिनमें बताया गया है कि तुक्का मार के आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, तो इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये सही है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टडी गुरु जी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, और यदि आपको कोई क्वेरी या प्रॉब्लम या सुझाव देना तो आप व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से भी दे सकते हैं। तो दोस्तों पहले तो मैं कहना चाहूँगा जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए मेहमानों से विनती है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब पर क्लिक करें, और सब्सक्राइब पर क्लिक करते ही बेल आइकन जरूर दबाएँ जिससे मैं जब भी नए अपडेटेड वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो दोस्तों आज बात करेंगे आखिरकार तुक्का मार के क्या आप पूरे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने पूरा एनालिसिस किया, जो जितने भी वीडियोस थे उनको देखा, उनमें उन्होंने क्या क्या बताया तो ये बताया गया है। फिर मैंने ऑनलाइन एग्ज़ाम चेक किए, क्योंकि ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होना है वो ऑनलाइन होना है, तो फिर मैंने ऑनलाइन एग्ज़ाम चेक किए कि जो प्रत्येक उनमें ये कहा गया कि प्रत्येक आप लगातार 3 क्वेश्चन देखेंगे, यदि तीनों का आप एक ही लाइन से टिक लगाते हैं तो 2 क्वेश्चन सही निकलने की संभावना है। और मैंने पूरा एनालिसिस किया, बिल्कुल भी दोस्तों ये बिल्कुल भी फर्जीवाड़ा है। आप इस तरह यदि लगाएंगे तो अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, और जो ये पेपर दे रहे हैं और पेपर और समय इसी के साथ साथ बर्बाद कर रहे हैं। तो दोस्तों तुक्का नाम की तो कोई चीज़ होती नहीं है, तुक्का तो वो लगाते हैं जो उनको पढ़ाई तो करनी नहीं है, किसी तरह पेपर दे के आ गए तो अब तुक्का लगा के वो सोचते हैं कि एग्ज़ाम निकाल लें। तो दोस्तों इस समय में आप भी देखते हैं प्रत्येक एग्ज़ाम में आप देखिए अब 80% से ऊपर ही कट ऑफ जाता है, तो ये आप तुक्का लगा के तो भूल ही जाइए। और आप मान लीजिए 3 में से आपके 2 भी सही निकल जाएं तो 90 में से 60 क्वेश्चन फिर भी आप देखिए 80% के आसपास नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये तुक्का लगाना तो दोस्तों बिल्कुल ही भूल जाइए। हाँ यदि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था और ऑप्शन में आ जाए, जैसे 261 आ जाए, 461 आ जाए, 261 BC आ जाए, 461 BC आ जाए, और 561 आ जाए, और 369 आ जाए। तो देखिए दोस्तों इसमें जैसे आप तुक्का लगा सकते हैं यदि आपने अच्छे से पढ़ाई की है, और यदि आपको जैसे ये याद है कि अशोक यानी अशोक 269 से 232 BC तक रहा था, तो इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखिए इसके बीच में रहा है, इसके बीच में रहा है, तो इसका मतलब ये 261 BC में कलिंग का युद्ध हुआ था। तो इस अनुसार आप तुक्का लगा सकते हैं, और यदि आप सोचो आंख बंद करके तुक्का लगाना है तो ये तो दोस्तों असंभव है। हाँ दोस्तों ये है कि यदि आप स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करें तो आप स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करके अच्छे से अंक यानी ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। आप स्मार्ट तरीके से पढ़ाई कैसे करें, पहले तो दोस्तों आप अच्छे से सिलेबस देख लीजिए, फिर उसके अनुसार प्रीवियस पेपर देखिए। परंतु अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं, और ऑनलाइन पेपर में आप देखते हैं कि किसी भी तरह के क्वेश्चन वो पूछने की संभावना होती है, तो आप ऑनलाइन पेपर करें। और इसमें रेलवे में ज़्यादातर ये कहा गया है कि करंट अफेयर से रिलेटेड आएंगे, तो दोस्तों करंट अफेयर से रिलेटेड आप भी देखिए स्मार्ट तरीके से कैसे पढ़ा जाए, यानी करंट अफेयर्स में ज़्यादातर उन करंट अफेयर्स पर फोकस करें जिनमें रेलवे से संबंधित करंट अफेयर्स हों। जैसे किसी देश ने अपने भारत के साथ समझौता किया, कौन कौन से उस पर किया, यानी रेलवे पर किस देश ने समझौता किया रेलवे के कार्यों पर, इस अनुसार आप यदि रेलवे से संबंधित करंट अफेयर्स पे पहले फोकस करें, प्रायोरिटी पहले इसको दें, इसके बाद धीरे धीरे जैसे करंट अफेयर्स से रिलेटेड। और दोस्तों मैं भी जल्द से जल्द वीडियो डालूंगा, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं करंट अफेयर्स की सीरीज़ भी जल्द से जल्द डालना चालू करूँगा। तो ये तो दोस्तों आप स्मार्ट तरीके हो गए, और किस टॉपिक से ज़्यादा कवर करें इस बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों आप जानते हैं मैथ में ऐसा पॉइंट है, मैथ में यानी यदि आप अच्छा मतलब अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो आप इसमें प्लस पॉइंट यानी ज़्यादा से ज़्यादा अंक खींच सकते हैं। तो सबसे पहले प्रायोरिटी आप मैथ को दें, उसके बाद रीजनिंग को दें, मैथ और रीजनिंग मतलब दोनों बराबर ही दें। और देखिए दोस्तों सामान्य अध्ययन और जनरल साइंस ये हुआ, इनमें तो आप जानते हैं जितना ज़्यादा पढ़ेंगे कहीं से भी वो पूछने की संभावना है। तो पढ़ने में दोस्तों सबसे ज़्यादा यदि आप पूरे दिन का टाइम टेबल बनाएँ तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इन दोनों सब्जेक्ट्स को दें, इनमें ज़्यादा टाइम दें। उसके बाद दोस्तों जनरल साइंस को उठाइए, क्योंकि ये टॉपिक कैसा है, छोटा है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों आप देखिए करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक उठाएं। और दोस्तों मैं ये इसके लिए भी एक अलग से पूरा वीडियो बना दूंगा कि आखिरकार कैसे स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करके आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकें, तो इसके लिए आप कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। तो दोस्तों टाइम टेबल भी अच्छे से बनाएं, यदि आप टाइम टेबल के साथ स्ट्रेटजी नहीं करते हैं, यदि आप सोचते हैं कि मैं 5 दिन ये कवर करूँगा 5 दिन ये करूँगा, तो आप किसी भी तरह सक्सेस नहीं हो सकते। यदि आप पूरी दिनचर्या में
पूरे दिन में आप सभी टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे तो आप आसानी से कवर कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा। तो दोस्तों आप इस तरह पूरी स्ट्रेटजी अपना के आप आराम से अच्छे से, अभी समय भी दोस्तों बहुत है, आप आराम से तैयारी कर पाएंगे। करंट अफेयर्स में भी, जैसे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी पूछ सकते हैं। तो ये मैंने दोस्तों पूरी स्ट्रेटजी आपके सामने बताई है। तुक्का मारने की तो दोस्तों भूल जाइए, तुक्का मार के आप अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। यदि स्मार्ट तरीके से करते हैं तो मैं मानता हूँ कि आप अच्छे से ज़्यादा अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे कम समय में। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा जल्दी से लाइक के बटन पर क्लिक कर दीजिए। और दोस्तों मैं करंट अफेयर्स की सीरीज़ भी जल्द से जल्द अपलोड करूंगा, और जैसे स्टैटिक जीके भी जल्द से जल्द अपलोड करूंगा, कल या परसों से मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स में इस जानकारी को शेयर करें। कोई भी क्वेरी या प्रॉब्लम है सुझाव देना तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और दोस्तों नए मेहमानों से विनती है, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जब भी नई वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।